सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। देखने का नजरिया सही होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे स्कूल के पहले घंटी से नफरत होती है, पर वही घंटी जब दिन की आखिरी हो तो सबसे प्यारी लगती है। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बातें करेगा, आपसे हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ आपसे प्यार भरी बातें करेगा। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, इससे दुनिया की सभी समस्याएं हल हो सकती है। आज का पंचांग 17 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात्रि 9:08 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र सुबह 11:52 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:20 से 10:46 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर सुबह 7:12 तक रहेंगी। इसके उपरांत तुला राशि पर प्रवेश करेंगी। कन्या राशि 17 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार, महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए समय निकालें। अभी आप रोमांस और अवकाश के मूड में हैं, बाहर निकलें और जीवन का मजा लें, किंतु सावधानी बरतना ना भूलें। जुआ और सट्टेबाजी मूर्खतापूर्ण विचार हैं। अपने निर्णय लेने में तर्क संगत रहें और सफलता तुम्हारी होगी। आज हर किसी का ध्यान केवल आप पर होगा। आपकी मन स्थिति आज उत्साहित हो सकती है। जिन नई दिशाओं को आपने अब पाया है वह आपके लिए सुखद और हैरान करने वाली है। याद रखें कि इतिहास केवल उनको ही याद रखता है जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं और उनका पालन भी करते हैं। आपके रचनात्मकता को आज सराहा जाएगा। आज अब दूसरों की मुश्किल समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता भी बनाएंगे। मुश्किलों को आसानी से सुलझा पाने की आपकी कला से लोग बहुत प्रभावित होंगे। आज अब घर में खुशी भरा दिन गुजारेंगे। खुशी के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप कहीं बाहर पैसा खर्च करके ही मचा लें। कभी कभी जिंदगी में छोटी छोटी चीज भी बहुत खुशी देती है। अपनों के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताएं, ये पल आपको बहुत खुशी देगी। कार्य क्षेत्र में परिश्रम की अधिकता भी रहेगी। बौद्धिक कार्यों व लेखन आदि से भी आय होगी। लक्ष्य बहुत ऊंचा रहेगा परंतु उनके अनुरूप प्रदर्शन ना कर पाने की वजह से मन में चिंता व तनाव भी बना रहेगा। क्षणिक लाभ प्राप्ति के लिए अनैतिक कार्य करने से भी नहीं चूकेंगे, ध्यान रखें। सावधानियां, रात्रि में भाइयों के सहयोग से पुरानी रंजिश समाप्त हो जाएगी। संतान पक्ष में भी उच्च शिक्षा सार्थक परिणाम मिलेंगे। आज संध्या काल के समय संपत्ति से भी कुछ आय हो सकती है। मेडिटेशन की समस्या हो सकती है, ध्यान रखें। लव लाइफ की बात करते हैं, यह समय आराम करने और मनोरंजन का है। अपने बच्चों को लेकर आप भावुक महसूस कर सकते हैं। प्रेम में रचनात्मकता आपको किसी अलग ही दुनिया में ले जाएगी और रोमांस व अंतरंग पल आप में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। इस प्यार के खेल को पूरी तरह से व खुलकर जिए। मूड के बदलाव के बाद भी चाहत में आपकी बेहतरीन उत्पादकता और आउटपुट आपको विशेष परिणामों से नवाजने वाले हैं। आज आप सबके आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। अपने माशूक के साथ का मचा लें।
रोमांचक और मधुरता से भरे इन एहसासों को अपने दिल में संजो कर रखें। करियर की बात करते हैं। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है और यही वो चाबी है जिससे सफलता का ताला खोला जा सकता है। अपने करियर में बदलाव करने के लिए यह समय उपयुक्त है। अपनी विलासिता भरी जिंदगी की इच्छा को पूरा करने के लिए नए अवसरों का सदुपयोग करें। आप आज सबके आकर्षण का केंद्र होंगे। आप में से कुछ अब नई जगह और नए प्रोजेक्ट का मजा ले रहे हैं और इससे आपके प्रयासों को नई शुरुआत मिलेगी। आपका काम आपको शानदार महसूस कराएगा। जीवन के इस नए दौर के लिए तैयार रहें। याद रखें, अपने सपनों का अनुसरण करने से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सेहत की बात करते हैं। आज आप सादा खाना पसंद करेंगे। मंदिरा पान से दूर रहें और ज्यादा पानी पिए। घर में पका भोजन ही लें। जल्द ही आपकी पाचन क्रिया ठीक होने लगेगी। आज का उपाय, आज आप पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।